हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन ये टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें हम लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होने वाला है अपना। अब फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 9 में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे कि हम हर वीडियो में हम कुछ डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो इस वीडियो में भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि कॉन्वेक्स सेट एवं कॉन्वेक्स फंक्शन से रिलेटेड होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेशन है हमारे पास, प्रूव दैट द इन्फिमम ऑफ द LPP अकर ऑन सम एक्सट्रीमम पॉइंट। फिर से हमारे पास थ्योरम है, तो पहले हमें इम्पोर्टेंट है जानना कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर से एक्सट्रीमम पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, कोई सेट है हमारे पास, उसके एक्सट्रीमम पॉइंट इस तरह के पॉइंट्स होंगे जिनके लिए अ पॉइंट एक्स इज सेड टू बी एक्सट्रीमम इफ इट कांट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो फिर इसको हम मैथमेटिकल डिफाइन करें, तो मैथमेटिकल डिफाइन करें, एक्स कोई पॉइंट है वो एक्सट्रीमम होगा अगर उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, एक्स लैम्ब्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स टू जीरो लेस देन इक्वल टू लैम्ब्डा लेस देन वन। इस तरह से हमारे पास जो सेट है उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते किसी पॉइंट को, तो वो पॉइंट जो होगा हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट होगा। अब फ्रेंड्स, हमारे थ्योरम पे वापस आते हैं। थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास, प्रूव दैट द इन्फिमम ऑफ अ LPP अकर ऑन सम एक्सट्रीमम पॉइंट, यानी कोई एक्सट्रीमम या बाहरी पॉइंट है उस पे हमारे पास उसका LPP का फेजिबल सॉल्यूशन, सॉरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो अकर करेगा। या ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मिनिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इन्फिमम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम टेबल इसका जो थ्योरम है उसका प्रूफ पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, लेट एक हमने थ्योरम मान, एक हमें ऑप्टिमल टेबल माननी है, सॉरी एक हमें प्रॉब्लम माननी है। तो प्रॉब्लम मानने के लिए हम मिनिमम इन्फिमम कर रहे हैं, तो हम मिनिमम ले रहे हैं, मिनिमम जेड इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट एक्स जीरो इज अ फेजिबल पॉइंट्स विच इज नॉट एन एक्सट्रीमम पॉइंट। फ्रेंड्स, इस तरह से लिया हमने, जैसे ये कोई रीजन है उसका एक अंदर का पॉइंट्स हमने मान लिया, ये पॉइंट्स है हमारे पास एक्स जीरो, ये पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट्स नहीं है हमने ये मान लिया, और ये मान लिया कि ये फेजिबल पॉइंट्स है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है कि ये हमने मान लिया सपोज ये एक्सट्रीमम पॉइंट है एंड
यहाँ पे हम ले लिया मिनिमम ऑफ जेड बराबर सी टी एक्स जीरो बराबर एम, यानी हमने मान लिया कि मिनिमम ऑफ एक्स जीरो यानी एक्स जीरो जो पॉइंट है एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, कोई अंदर का पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम ऑफ जेड मिल रहा है, यानी कि उस पे हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। अब हमें शो करना है कि ये जो हमारा माना हुआ पॉइंट है इस कंडीशन में अगर ये एक्सट्रीमम है तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस बन सकती है फ्रेंड्स, या तो ये पूरे रीजन में यानी कि जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स को भी हम कंक्लूड कर लें वहाँ पर भी मिनिमम ऑफ जेड आ जाए, और सेकंड अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो हमारा हमने जो माना है ये गलत है तो उस कंडीशन में भी ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास इन्फिमम है वो एक्सट्रीमम पॉइंट पे अगर कर रहा है, तो फ्रेंड्स ये हमें प्रूव करना है। नाउ क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है तो एक्स जीरो को हम लिख सकते हैं लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू, कोई दो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स इसको, यहाँ एक्स वन है या एक्स टू है, क्योंकि ये एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स जीरो बराबर लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स टू फोर सम लैम्डा बिलोंग्स टू जीरो वन, यानी कोई दो पॉइंट्स के फॉर्म में आ गया है, इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं। अब फिर हमने ये लिख दिया है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चूंकि नहीं, हाँ अब यहाँ फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट इफ एक्स वन एंड एक्स टू आर आल्सो ऑप्टिमल पॉइंट, अगर एक्स वन और एक्स टू फ्रेंड्स ऑप्टिमल पॉइंट हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास सी ट्रांसपोज एक्स जीरो बराबर लैम्बडा सी ट्रांसपोज एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा सी ट्रांसपोज एक्स टू, यानी कि लैम्बडा सी ट्रांसपोज और सी ट्रांस ऑप्टिमल पॉइंट माने हमने तो सी ट्रांसपोज एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा एम सी ये आएगा लैम्बडा एम प्लस वन माइनस लैम्बडा एम इक्वल टू एम, यानी कि हमारे पास जो x1 और x2 पॉइंट है उन पर भी उस पॉइंट के जो लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे पॉइंट्स पे हमारे पास ये वैल्यू जो होगी x0 जो वैल्यू होगी सॉरी सी ट्रांसपोज x0 वैल्यू होगी जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो उस लीनियर कॉम्बिनेशन के सारे पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये x0 को हम इस तरह लिख सकते हैं तो x0 कोई दो एक्सट्रीमम पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकता है, क्योंकि दो पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट्स ले लें उनकी फॉर्म वहाँ से भी हम एक्स जीरो को लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट की फॉर्म में, तो पूरे सेट में हमारे पास फॉर ऑल एक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो फॉर ऑल एक्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास मिनिमम जो फंक्शन था हमारे पास मिनिमम ऑफ एफ मिनिमम जेड बराबर सी ट्रांसपोज एक्स बराबर एम फोर ऑल एक्स, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास जो सी ट्रांसफोर एक्स था वो एज अ कॉन्स्टेंट आ गया। अब फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये कॉन्स्टेंट रहे, के सेकंड अब यहाँ पे हम के सेकंड एज्यूम कर रहे हैं, के सेकंड अगर नाउ लेट एक्स जीरो इज ऑप्टिमल पॉइंट विच इज नॉट एन एक्सट्रीमम पॉइंट। अब फिर हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक्स जीरो जो है यहाँ पे कोई पॉइंट है वो एक्स जीरो जो पॉइंट है वो मिनिमम ऑप्टिमल है, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वन और एक्स टू की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको एक्स वन है एक्स टू के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक्स जीरो क्या लिख सकते हैं हम लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू, साथ ही हमने सपोज किया है कि ना तो एक्स वन पॉइंट पे ना एक्स टू पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम ऑफ जेड जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एम है,
यानी कि यहाँ से हम करें सी ट्रांसपोज एक्स वन स्ट्रिक्टली लेस देन एम, सी ट्रांसपोज एक्स टू स्ट्रिक्टली लेस देन एम, ये हो गया। ये हमने एज्यूम कर लिया, पहले केस में हमने फ्रेंड्स इक्वलिटी का साइन लेके कर लिया था, अब हमने स्ट्रिक्टली लेस देन कर लिया उसको। उस कंडीशन में हम फ्रेंड्स एक्स वन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स जीरो क्या किस फॉर्म में लिख सकते थे, लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू। तो यहाँ से हम सी ट्रांसपोज दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, एक्स जीरो इक्वल टू लेमडा, क्योंकि जो हमारे पास सी ट्रांसपोज लेमडा एक्स वन आना चाहिए था फ्रेंड्स, उसको हम लेमडा को बाहर लेकर सी ट्रांसपोज एक्स वन लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया सी ट्रांसपोज एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा सी ट्रांसपोज एक्स टू। अब फ्रेंड्स हमने ये लिख दिया है, अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सी ट्रांसपोज एक्स जीरो बराबर लेमड़ा एम प्लस वन माइनस लेमड़ा, सॉरी यहाँ से क्योंकि हम छोटा ले रहे हैं नंबर, एम जो है वो सी ट्रांसपोज एक्स वन से छोटा है, तो हमने यहाँ पे छोटा लिया है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, बड़े का ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा एम। तो यहाँ से हो गया सी ट्रांसपोज एक्स जीरो ग्रेटर देन एम। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्योंकि हमने सी ट्रांसपोज एक्स जीरो बराबर एम माना था, उसका ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये कह रहा है कि सी ट्रांसपोज एक्स जीरो अगर ऐसे हमारे पास पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सी ट्रांसपोज एक्स जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा। फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड जो है वो इस तरह से है, जो एक्स जीरो पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स जीरो पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक पॉइंट और लिया एक्स वन, और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने एक्स टू को पुट किया, तो एक्स टू को क्या लिखा हमने, लैम्डा एक्स जीरो प्लस वन माइनस लैम्डा एक्स वन, ये हमने लिया है। तो सी ट्रांसपोज एक्स टू बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास लैम्डा सी ट्रांसपोज एक्स जीरो प्लस वन माइनस लैम्डा सी ट्रांसपोज एक्स वन। तो सी ट्रांसपोज एक्स टू बराबर, क्योंकि लैम्डा सॉरी सी ट्रांसपोज एक्स जीरो बराबर क्या है एम, लैम्डा एम प्लस वन माइनस लैम्डा सी ट्रांसपोज एक्स टू। सी ट्रांसपोज एक्स टू क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, सॉरी एक्स वन, सी ट्रांसपोज एक्स वन क्या है, लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन इक्वल टू एम है। तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू एम लिया हमने, को छोटा नंबर लिया, छोटे नंबर से इधर लिया है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हो गया सी ट्रांसपोज एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ से हो गया हमारे पास सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे सी ट्रांसपोज एक्स वन जो है वो एम से छोटा है, तो यानी हमने यहाँ पे बड़ा नंबर लिया, तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया सी ट्रांसपोज एक्स टू लेस देन इक्वल टू एम। तो चूंकि हमारे पास हम पहले ले रहे थे कि जो एक्स जीरो है वो मिनिमम पॉइंट है, बट वो मिनिमम नहीं है, हमारे पास दूसरा पॉइंट एक्स टू मिल गया जिसपे मिनिमम है, तो ये हमारे पास जो हमने माना कि हमने जो पहले एज्यूम किया था कि सी ट्रांसपोज एक्स जीरो जो है यानी एक्स जीरो पॉइंट है वो ऑप्टिमल पॉइंट है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया फ्रेंड्स। इस तरह से हम प्रूव कर सकते, ये इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो पॉइंट है सी ट्रांसपोज एक्स जीरो, जो एक्स जीरो पॉइंट है वो ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास जो हमने माना था कि अगर कोई पॉइंट जो पॉइंट है अगर वो ऑप्टिमल नहीं है और उस पर सॉरी एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है और उस पर एग्जिस्ट कर रहा है ऑप्टिमल पॉइंट, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो केस होंगे। ये फर्स्ट केस जो होगा वो होगा या तो पूरा सेट कॉन्स्टेंट हो, तो उस कंडीशन में उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा नो प्रॉब्लम, क्योंकि उस कंडीशन में ऑप्टिमल पॉइंट्स पे भी वही वैल्यू होगी। बट अगर हमने माना कि अगर कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमने ये प्रूव कर दिया है कि कॉन्स्टेंट ना होने के केस में जो हमने पहले एज्यूम किया था सी एक्स जीरो जो कि ऑप्टिमल पॉइंट है वो ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है, उससे भी मिनिमम पॉइंट उसी रीजन में निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास ये प्रूफ हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे पास आप हमें चेक कर सकते हो, हमारे लिंक सर्च कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे डाउट्स हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9460689761 एंड मेरी मेल आईडी है वो है hitesh@mena0155@
gmail.com। तो फ्रेंड्स इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप भी करना है, कॉल नहीं करना है, और या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।